हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एग्रीमेंट। आज हम पढ़ेंगे सीट टेस्टिंग के बारे में। तो सीट टेस्टिंग हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है सीट टेस्टिंग करने की? तो सीट टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारी बीज की गुणवत्ता क्या है, हमारी सीड अच्छी है या बुरी, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो हम तीन तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे सीड का जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो पहला है प्योरिटी टेस्ट। पहला कौन सा है? प्योरिटी टेस्ट। अब बात आती है प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। उसके लिए फार्मूला भी है। प्योरिटी परसेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्योर सीड ग्राम में होना चाहिए इनटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल। ये फार्मूला है प्योरिटी परसेंट निकालने की। इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो सीड का जो प्योरिटी है वो कितना है। अब दूसरा है जर्मिनेशन परसेंट। जर्मिनेशन परसेंट, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड, टोटल नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीड केप्ट इंटू 100 ऊपर। इस फार्मूले से हम जर्मिनेशन परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब तीसरा है क्या? मॉइस्चर कंटेंट। सीड में मॉइस्चर कितना है कैसे पता लगेगा? तो उसका भी फार्मूला है। क्या है फार्मूला? W1 माइनस W2 इंटू 100 अपॉन W1। अब बात आती है W1 क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ वर्किंग सैंपल, वेट ऑफ सैंपल बिफोर ड्राइंग। अब W2 क्या है? तो वेट ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। ये है मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए फॉर्मूला। इससे हम मॉइस्चर कंटेंट कितना हमारे सीड के अंदर मॉइस्चर है वो पता लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास है प्योरिटी परसेंट का फार्मूला। हम कैसे प्योरिटी परसेंट निकाल सकते हैं? टोटल वेट ऑफ प्योर सीड ग्राम में इंटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल। अब जर्मिनेशन परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीड केप। और तीसरा है मॉइस्चर परसेंट कैसे निकालेंगे? W1 माइनस W2 इंटू 100 अपॉन W1।
डब्ल्यू वन क्या है वेट ऑफ सैंपल बिफोर ड्राइंग और डब्ल्यू टू क्या है वेट ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। तो ये तीनों चीजों से हम सीड के क्वालिटीज को पता लगा सकते हैं कि सीड हम की क्वालिटीज क्या है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड। अब हम बात करते हैं सोइंग ऑफ सीड, क्या क्या जरूरी क्रियाएं हैं हमें बीज बोने के समय करनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो। तो देखते हैं, पहला है सीड रेट, दूसरा है सीड ट्रीटमेंट, तीसरा है सोइंग टाइम, चौथा है डेप्थ ऑफ सोइंग, पांचवा है स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन, छठवां है मेथड ऑफ सोइंग। सीड रेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर पर यूनिट एरिया टू ग्रो द क्रॉप सक्सेसफुली इज नोन एज सीड रेट। अब बात आती है सीड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इंटो नंबर ऑफ सीड, नंबर ऑफ सीड स्लैश हिल इंटू टेस्ट वेट, इंटू टेस्ट वेट ग्राम में इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंट ये है फॉर्मूला सीड रेट कैलकुलेट करने के लिए। अब बात आती है अगर सीड रेट हमारा ज्यादा हो गया कम हो गया तो क्या होगा, अगर ज्यादा हो गया फिर भी प्रॉब्लम है, कम हो गया फिर भी प्रॉब्लम है। ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा जिससे हमारा यील्ड कम हो जाएगा, कम हो गया तो प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगा और फिर भी यील्ड कम हो जाएगा। अब बात आती है सीड ट्रीटमेंट की, सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं भाई, तो सीड ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं जो हमारे सीड में इंसेक्ट पेस्ट हैं उनसे बचाने के लिए या उनके अटैक से बचाने के लिए हम सीड रेट सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो पहला है टू प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, दूसरा है ब्रेक डॉर्मेंसी, तीसरा है इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये लेग्यूम क्रॉप्स में फिक्सेशन होता है, चौथा है क्विक जर्मिनेशन के लिए, पांचवा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। ये थे सीड ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट, किस लिए करते हैं, टू प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, ब्रेक डॉर्मेंसी, इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्विक जर्मिनेशन और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। अब बात आती है सोइंग टाइम की, तो सोइंग टाइम जो है अगर हम निश्चित समय पर बीज को नहीं बोएंगे तो हमारा जो क्रॉप है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और कम यील्ड प्राप्त होंगे, तो इसीलिए हमें
निश्चित समय पे सीड को बोना चाहिए। चौथा है डेप्थ ऑफ सोइंग। जो डेप्थ ऑफ सोइंग है, अगर हम गहराई में अपने सीड को नहीं बोएंगे तो हमारा जो प्लांट है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए हम जो सीड है उसे गहराइयों में बोते हैं, नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर। पांचवा है स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट के बीच जो स्पेस है, अगर उसे हम लोग ऑप्टिमम नहीं रखेंगे तो क्रॉप के बीच क्या होता है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है, और वो जब कंपटीशन करने लगते हैं तो उनका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। इसीलिए हमें स्पेसिंग और प्लांट पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकें। छठवां है मेथड ऑफ सोइंग। बहुत सारे मेथड्स हैं सोइंग के, जो कि बहुत अच्छे हैं, एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है लाइन सोइंग, तीसरा है बिहाइंड प्लॉ, डिबलिंग। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सोइंग। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग। तो बोने की विधियां भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हमारे उपज पे, क्रॉप के उपज पे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं। पहली है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरी है लाइन सोइंग, तीसरी है डिबलिंग, चौथी है ट्रांसप्लांटिंग और पांचवी है पुटिंग सीड बिहाइंड प्लॉ। तो ब्रॉडकास्टिंग अक्सर हम देखते होंगे अपने क्षेत्रों में कि जब हम गेहूं बोने जाते हैं तो जनरली क्या होता है, हाथों से ही उसको खेत में छींट देते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्कैटरिंग द सीड इनटू द फील्ड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ये जो होता है मैन्युअली लेबर जो होते हैं, इसकी लेबर जरूरत नहीं होते, तो उससे क्या है, इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज की बात कर लें तो क्विकेस्ट मेथड भी है और चीपेस्ट भी है ये और जो स्किल लेबर है वो नहीं चाहिए होते हैं, और लेस टाइम टेकन होता है बोने में। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है प्लांट पॉपुलेशन जो है और प्लांट स्पेसिंग मेंटेन नहीं होती और सीड ज़्यादा लगते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड को बोने में। अब बात आती है लाइन सोइंग की। तो लाइन सोइंग वो है, अब बीजों को डेप्थ में गहराइयों में बोना ही लाइन सोइंग कहलाता है। इसकी भी क्या है कि एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। लाइन सोइंग का एडवांटेज क्या है कि रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन होता है और इसमें सीड जो है ब्रॉडकास्टिंग से कम लगता है। बट इसका जो डिसएडवांटेज भी है कि इसमें स्किल लेबर चाहिए होते हैं और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं मेंटेन होता, मतलब कि पौधे से पौधे की दूरी नहीं मेंटेन होती। अब हम बात करते हैं डिबलिंग की। डिबलिंग भी एज अ लाइन सोइंग ही होता है, इसको हम एक्चुअली लाइन सोइंग ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेन डिफरेंस है लाइन सोइंग से डिबलिंग का, कि इसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन होती है, पौधे से पौधे का पौधे से दूरी वो मेंटेन होता है। चौथा है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग हम जैसे देखते हैं कि धान की खेती जब होती है तो पहले हम छोटे से क्यारी में बो देते हैं धान को, फिर उसके बाद उसके सीडलिंग को हम अपने मेन क्रॉप मेन फील्ड में बो देते हैं, तो वो ट्रांसप्लांटिंग कहलाएगा। और पांचवा है पुटिंग सीड बिहाइंड प्लॉ। सीड को ड्रॉपिंग ऑफ सीड बिहाइंड प्लॉ इनटू अ फरो इज नोन एज पुटिंग सीड
बिहाइंड प्लो। ये पांच मेथड है। एक और मेथड है प्लांटिंग। उसमें क्या होता है कि एज अ वो ट्रांसप्लांटिंग ही जैसा होता है, लेकिन वो अलग होता है ट्रांसप्लांटिंग से। तो ये सब थे मेथड ऑफ सोइंग। आज के लिए इतना ही।